हेलो फ्रेंड दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। चलो अभी का जो मैच होने वाला है 7:30 बजे दिल्ली और हैदराबाद के बीच में दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको मैं कुछ बता देता हूँ। जो मेन मेन पॉइंट हैं, आप उन्हें अगर देख लोगे और उन प्लेयर को अपने उसमें टीम में रख लोगे तो आप अच्छी खासी विनिंग कर सकते हो और हारने का चांस बहुत कम मिलेगा आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे ग्रैंड लीग खेलता हूँ और ज़्यादातर मैं ग्रैंड लीग ही खेलता हूँ। वैसे क्या आपको मैं दिखा दूंगा, पिछला रिकॉर्ड भी दिखा देता हूँ आपको मैं, जो आज मैच हो रहा है और जो चल रहा है। बस मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन का चॉइस थोड़ा सा कर लेता हूँ इसमें दोस्तों। अभी तो रैंक कुछ नहीं है, कोई नहीं, चलो अभी थोड़ी देर में देख लेंगे मैच। जो सेकंड इनिंग चलेगा तो मेरे यहाँ पर मेरा जो वाइस कैप्टन है अभी अब्दुल फ्लीस, आप देख सकते हो। ठीक है, और डी पटेल मेरा यहाँ पर कैप्टन है। सेकेंड में देख सकते हो पटेल मेरा कैप्टन है और कोहली मेरा वाइस कैप्टन है जो चल रखा है। ठीक है, मैंने कोई फालतू लोगों को नहीं बना रखा जो ज़्यादा चले नहीं है। बस एक जडेजा को उसको मैं लेना थोड़ा सा हो गया, रिस्क हो गया मेरे लिए। मैं सोचा था आज नहीं चलेगा, लेकिन फिर बंदा फिर भी चल गया। लेकिन कोई नहीं, अभी देखते हैं, अभी बहुत टाइम है। मेरे आज के कैप्टन वाइस कैप्टन में आप फ़र्क देख सकते हो, मेरा कोई भी बेकार नहीं गया, लेकिन विनिंग जोन में सब मैं रहूँगा ही रहूँगा। ग्रैंड लीग जीतना है दोस्तों, कुछ तो रोकना ही पड़ता है। ठीक है, आप जानते ही वो चीज़ें। चलो मैं आपकी टीम की बात कर दूँ आपके लिए। आप किसको कैप्टन बना सकते हैं, किसको वाइस कैप्टन बना सकते हैं, किसको ड्रॉप कर सकते हैं रिस्क लेके थोड़ा सा। यहाँ पे दोस्तों जो मस्त पिक आप रहेंगे बेस्ट हो, ठीक है, आपको ये लेना जरूरी है। पंत का दोस्तों मैं कह नहीं सकता, पंत को अगर लेना चाहते हो तो आपको एक बॉलर ड्रॉप करना पड़ेगा। वैसे भी आज बॉलर काफ़ी मेन है, पंत का ज़्यादा रिकॉर्ड खास कुछ है नहीं। अगर आपको लगता है पंत आज चलता है तो आप रख सकते हैं। ठीक है, मेरे बेस पर मैं तो नहीं रखूँगा शायद। अगर एक टीम हो सके रख सकता हूँ, वो टीम आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, अब वहाँ से सीधा से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप HSB इस तुम्हारा हाइफन लगा के नीचे और तुम्हारा ड्रीम 11 करके आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे। लेकिन सर्च करने से अच्छा है कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ और लिंक पे क्लिक करो और ज्वाइन कर लो। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों धवन को मैंने लिया हुआ है। धवन भी तुम्हारा हैदराबाद के खिलाफ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर लेता है, अभी तक का इनका रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छे रहा है। लेकिन तो आप मिस नहीं कर सकते, हर किसी के पास ये धवन रहेंगे रहेंगे तो आपको लेना ही है। ठीक है, SL और GL दोनों के लिए डी वॉर्नर, ये दोस्तों ये दिल्ली के खिलाफ बहुत तगड़े तरीके से खेलते हैं। अगर ये खेल जाए आज और इनके बल्ले पर अगर चढ़ जाए ना तो बहुत अच्छी पारी खेलेंगे आज ये। ठीक है, ये डी वॉर्नर और ब्रिस्टो, ये आपको लेना दो जरूरी है दोस्तों, इन दोनों को छोड़ना मत बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ से धवन को भी ले सकते हो आप। धवन को अगर ड्रॉप करोगे तो उसकी जगह कोई और खेलने वाला यहाँ पर अच्छा है नहीं। ठीक है, धवन भी लेना जरूरी है। पीसा शायद आज ना खेले, KVLSM का कोई रिकॉर्ड खास है नहीं अभी तक का। ठीक है, मैं इसमें देख के भी नहीं बोल रहा, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे KVLSM थोड़ा सा लगे नहीं कि आज खेल पाएंगे कर पाएंगे, क्योंकि आज चेन्नई में जो इनका मैच होने वाला है वहाँ पर यार स्पिनर काफ़ी अच्छे चलते हैं, मतलब ये कहाँ खेल पाएंगे। ठीक है, मतलब बहुत कम चांस होगा, अगर होगा तो किस्मत पर चलेगा। ठीक है, नहीं तो आप उसके बाद दोस्तों स्मिथ की पारी बहुत अच्छी आती है, स्मिथ भी काफ़ी अच्छा खेल जाते हैं। ठीक है, स्मिथ को भी अपने उसमें रखना है। ठीक है, M पांडे आज शायद ना खेले, मनीष पांडे आज शायद ना खेले तो मैंने फिलहाल अभी ड्रॉप कर रखा है, बाद में ले सकता हूँ तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर देख लेना, लिंक पड़ा हुआ है। ऑलराउंडर की बात करें दोस्तों, यहाँ पे M स्टोनिस काफ़ी अच्छा आज कर सकते हैं, खेल सकते हैं दिल्ली की तरफ से। ललित यादव, वी शंकर को मैंने इसलिए छोड़ा दोस्तों, इसका कोई पता नहीं है। वी शंकर में अभी खास परफॉर्मेंस इन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से ड्रॉप कर रहा हूँ। 51% लोगों ने अभी तक सिलेक्ट कर रखा है, लेकिन अभी देखो कितने लोग इसे छोड़ते हैं कितने लेते हैं, लेकिन मैं ड्रॉप करके चल रहा हूँ क्योंकि मैं ये सिर्फ ग्रैंड लीग खेल रहा हूँ, कोई SL स्मॉल लीग नहीं खेला। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वी शंकर चल सकते हैं तो आप ले सकते हो। ठीक है, अपने दिल अपने अनुसार। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा। ललित यादव स्पिनर काफ़ी अच्छे दोस्तों, विकेट भी ले जाते हो, बैट्समैन काफ़ी अच्छे हैं, आपको पता ही, आपने देखा ही होगा पिछले मैचों में। और तुम्हारा A शर्मा अभिषेक जो ये हैं, ये काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं दोस्तों, ये स्पिन बॉल करा के विकेट भी आपको दे सकते हो और अच्छे खासे खेलती हुई। ठीक है, सी वॉल्क्स आप खेल नहीं रहे क्योंकि उनकी जगह स्मिथ आ गया। जे होल्डर दोस्तों, अगर जे होल्डर खेलते हैं तो आपको जे होल्डर अगर ले सकते हो तो किसी एक को ड्रॉप करके आप जे होल्डर को ले सकते हो, क्योंकि ये भी दोस्तों दिल्ली के खिलाफ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं अभी तक तो। आप देख सकते हो एक मैच खेला है इन्होंने, 4 रन बना के 3 आउट भी कर रखे हैं। जे होल्डर अगर खेलते हैं तो ठीक है, आप देख सकते हो उस चीज़ को, याद रखना बस। ठीक है, आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन का बता दूंगा अभी लास्ट में, कौन सा बना सकते हो कौन सा नहीं बना सकते हो। मैं थोड़ा रिस्क लेके चलता हूँ इसलिए मैं अब मेरा थोड़ा कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़ा रहता है अलग। ठीक है, राशिद खान काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, इनको आप लेना ज़रूरी है क्योंकि आज स्पिन आपको पता ही है, चेन्नई में अच्छा खासा स्पिनर के ज़्यादा ही चलता है, बोलबाला होता है भाई। ठीक है,
ए मिश्रा भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं दोस्तों, ये भी यहाँ पे विकेट लेने की क्षमता पूरी रखते हैं इस ग्राउंड पे, ठीक है। के रबाड़ा दोस्तों, ये प्लेयर भी अभी तक आपको लगा होगा कि ज़्यादा नहीं चला, लेकिन ये आज चल सकता है। ये तुम्हारे हैदराबाद के खिलाफ बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा मतलब हमने परफॉर्मेंस पूरा देता है, ठीक है। तो आज देख सकते हैं इसको भी, अगर आपको लगता है कि नहीं चलता आप इसको हटा सकते हो। यहाँ पर ही दोस्तों के अहमद, खलील अहमद, ये भी दोस्तों आपने इनका अगर रिकॉर्ड पिछला देखो कि 2-3 मैचों का तो काफ़ी अच्छा किया इन्होंने, और दिल्ली के खिलाफ तो काफ़ी अच्छे विकेट भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगला, अगर आप किसी एक को अगर ड्रॉप करोगे कहीं पे, यहाँ से अगर ऑलराउंडर से ड्रॉप करोगे, क्योंकि विकेट कीपर बैट्समैन में मैं ड्रॉप करने को नहीं बोलूँगा, ये तो मस्त रहेंगे रहेंगे इसमें, अगर हो सके तो मैं स्मिथ की जगह किसी और को ले सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन ये डी वॉर्नर और धवन रहेंगे रहेंगे, ठीक है। पंत का भी कह नहीं सकता, पंत का भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा, तो मैं स्मिथ को ही लेके चलाऊँ यहाँ पे। मैं फिलहाल अपने उसमें कोई चेंजेस नहीं करूँगा, अगर हाँ अगर मैं कुछ अदर और टीम बनाता हूँ तो उसमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ, वो टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे आप कौन ले सकते हैं बॉलर में, और ठीक है मैं उसके बाद बता देता हूँ। ये ऊपर वाले लेने के बाद देखो, सॉरी ये मैं लूँगा ही लूँगा इनको, मैं इनमें से अगर मैं ड्रॉप करना चाहूँ तो मैं ड्रॉप कर सकता हूँ दोस्तों। मैं यार यहाँ पे चार मेरे लेने लेना जरूरी है स्पिनर, ठीक है, फास्टर भी काम कर जाते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आप कौन सा ले सकते हो, ठीक है वो आपको बताता हूँ मैं। आप यहाँ से ले सकते हो दोस्तों भुवनेश्वर कुमार, आर अश्विन, ठीक है। ए खान का भी रिक्वायरमेंट करता हूँ दोस्तों, अगर फास्ट थोड़ा सा बॉलिंग में हो जाए तो ए खान को भी आप ले सकते हो, लेकिन किसके बदले लोगे वो मैं, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। ग्रैंड लीग की टीम खेलोगे दोस्तों तब उसके बाद पता चलेगा कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है, क्योंकि ए खान काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने भी कर रखा है, इनको भी आप अगर ड्रॉप करने तो रबाड़ा को ड्रॉप करके ए खान ले सकते हो। लेकिन मैं फिलहाल अभी एक जो मेरा फर्स्ट टीम होगा इसी पे जाएगा। अगर आपको भी अगर चाहिए यहाँ से आप एम स्टोनिस को अगर ड्रॉप करना चाहते हैं तो इनको ड्रॉप करने के बाद ए खान को ले सकते हैं। एम स्टोनिस का काफ़ी परफॉर्मेंस अभी तक अच्छा नहीं गया, लेकिन हैदराबाद के खिलाफ हो सकता है ज़्यादा अच्छा कर जाए। जैसे अभी जडेजा, उन्होंने काफ़ी अच्छा कर दिया, 60 रन के आसपास मार दिए यार लास्ट में पटेल के बॉल पर, ठीक है। तो ऐसी ये भी है। अब और रही कैप्टन और वाइस कैप्टन के बाद दोस्तों, थोड़ा मैं जल्दी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि टाइम होने वाला है, काफ़ी टाइम नहीं है, लोग देख लेंगे वीडियो थोड़ा सा तो किसी न किसी की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए देखो, कैप्टन में भी जा सकता है, ये दोनों भी जा सकते हैं, ठीक है। ये तीन ऐसे प्लेयर हैं जो कैप्टन और वाइस कैप्टन का पूरा क्षमता रखते हैं आज के मैच के लिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि चलेंगे चलेंगे, लेकिन मेरे अनुसार ये तीन प्लेयर ऐसे हैं जो आज टॉप कर जाएंगे, ठीक है। दूसरा अब कौन हो सकता है तुम्हारे ऑलराउंडर से, ऑलराउंडर से हो सकता है तो अभिषेक शर्मा, अगर खेलने भी आते थोड़े ऊपर तो ये बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं, इनका परफॉर्म आप देख सकते हो, ठीक है। इन्होंने एक दो मैच खेले, दो में से एक तो नहीं कर पाए, दूसरे वाले में इन्होंने 2 आउट भी किए, ठीक है। एक खान यहाँ पे दोस्तों, मैं अगर मैं अपने अनुसार अगर लेना चाहूँ तो यहाँ पे मैं करूँगा तुम्हारा ए मिश्रा को मैं यहाँ पे अगर बनाना चाहूँ तो वाइस कैप्टन के रूप पर बना सकता हूँ, या मैं राशिद खान या ए खान हैं तो दोस्तों सारे अच्छे हैं यार। अब मैं क्या बताऊं आपको अभी कि यहाँ पे बॉलर में कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, लेकिन ये बॉलर ऐसे हैं अगर चल गए ना तो अच्छे खासे 2 या 3 विकेट हर कोई लेके जा सकता है, ठीक है। बाकी अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा, अगर तुम्हारा हैदराबाद अगर सेकेंड इनिंग में करता है तो मैं यहाँ पे ब्रिस्टो को और तुम्हारे डी ओनर को बना के चलूँगा कैप्टन वाइस कैप्टन। अगर दिल्ली पहले खेलती है तो दोस्तों मेरा ये चेंज हो जाएगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे तुम्हारा डी ओनर को कैप्टन बना के चलूँगा और तुम्हारा किसी बॉलर को पकड़ लूँगा, जैसे राशिद खान को पकड़ लूँगा वाइस कैप्टन पे, या मैं पकड़ लूँगा तुम्हारे के अहमद, खलील अहमद को। खलील अहमद का भी रिकॉर्ड आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। बाकी अगर तो सेम टीम अगर फिर ये रहे तो यार आप धवन को बना सकते हो, मैं आपको बता चुका हूँ। एसएल अगर खेल रहे हो तो इन तीनों पे लेके चलो, और एसएल में अगर तुम खेल भी रहे हो ना एसएल, तो यहाँ से एक को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, उसकी जगह आपको कोई एक अच्छा सा बैट्समैन आप देख सकते हो, केविलसन अगर चल गए आज के मैच में तो इन्हें ले सकते हो। पांड्या का मैं कह नहीं सकता आज खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तुम्हारा के जावेद का भी नहीं, वी सिंह का भी नहीं, तो यहाँ पे ऑलराउंडर में आके आप तुम्हारा ऑलराउंडर जे होल्डर अगर खेलेंगे तो इनको ले लेना, ठीक है। नहीं तो एम स्टोनिस को आप कर सकते हो, क्योंकि 52% लोगों ने इन्हें भी ले रखा है, या तुम्हारा
विजय को ले सकते हो। विजय का भी यार दोस्तों कुछ खास है नहीं अभी तक का, लेकिन आज के मैच में हो सका क्या पता कुछ कर दे। तो आप दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान देना, ठीक है, जो मैंने आपको बता रखा है आप देख सकते हो टीम। और इस टीम को दोस्तों अभी कॉपी मत करना क्योंकि अभी लाइनअप कुछ आया नहीं है। तो आपको फाइनल टीम मैं फिर बता चुका हूँ कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, कुछ नहीं करना, जाना क्लिक करना, ज्वाइन कर देना, बस आपको डेली टीम मिल जाएगी वहाँ पे बिना कुछ किए हुए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको अगर और भी दिखाना चाहूँ ना, बहुत सारे ऐसे हैं, मैं जीएल भी जीता हूँ, मैं बताना नहीं चाहता क्या, लेकिन प्रूफ आपको अभी मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि इतना बड़ा वीडियो मुझे बनाना नहीं है और मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं किसी को प्रूफ दिखाने की। दोस्तों मैं मेहनत कर रहा हूँ, अपने लिए भी कर रहा हूँ, मैं उस मेहनत को किसी और को भी दे देता हूँ तो मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है, मैं आप कोई इससे मतलब नहीं है। चैनल में आओ ना आओ कुछ मुझे कुछ से भी फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप अगर आपको वीडियो अगर देखनी है अगली तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। इस वीडियो पर कम से कम यार 10-12 लाइक तो मार दो यार, मेरा चैनल बहुत दिनों से बंद पड़ा था क्योंकि मैं वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आ रहा था मुझे। तो फिर मैं अभी आईपीएल का वीडियो बना रहा हूँ तो आप कर देना प्लीज़, ठीक है, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, जिसका कमेंट और लाइक पहले आएगा ना यार ऐड कर लूँगा सो बढ़िया सी ऐसी जगह पे जहाँ पे उसे अच्छे खासे अर्न करने का मौका मिले। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।